हेलो गाइस, आज हम फिर एक ऐसी जगह आपको ले चलेंगे जो आप कभी सोच भी नहीं सकते कि दिल्ली में कोई ऐसी भी जगह हो सकती है। लेकिन उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, प्लीज़ हमारी पूरी वीडियो देखिए, प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। चलते हैं मजनू कटीला, जो कि तिब्बतियन मार्केट के नाम से फेमस है। लोग अब मार्केट में एंटर कर चुके हैं, जो कि आप देख रहे हैं यहाँ पे काफ़ी जूतों की सेल लगी हुई है। इतने अच्छे जैकेट और ब्रांडेड हैं, काफ़ी अच्छी दिख रही हैं। यहाँ पे खाने पीने की तो काफ़ी शॉप है, वैरायटीज़ भी बहुत सारी हैं। गली से हम लोग फिर धीरे धीरे आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए ये इतने अच्छे अच्छे प्यारे से कप्स, जो कि ये लाइट कॉम्बिनेशन में तो काफ़ी अच्छे दिख रहे हैं। आगे चलते हैं, देखते हैं क्या मिलता है हमें। यहाँ पे काफ़ी भीड़ लगी हुई है, शायद हमें दूर से ही दिख रहा है कि यहाँ पे एक मंदिर है। हम लोग सही थे, यहाँ पे एक मंदिर है जो कि काफ़ी अच्छी और इतनी शांति वाइब्स दे रही हैं। इनका जो कलर कॉम्बिनेशन येलो ब्लू और ग्रीन का जो है, बहुत ही अच्छी पीसफुल है। यहाँ दिल्ली में आप कभी भी ऐसे सोच नहीं सकते हैं कि मतलब दिल्ली में भी कोई ऐसी जगह हो सकती है जो इतनी शांत हो, अच्छी हो, माइंड को रिफ्रेशिंग करने वाली हो। जो लोग कोरियन, नेपाली, ये सब वो चाइनीज़ खाने के शौकीन हैं, उनको तो यहाँ ज़रूर ही आना चाहिए। काफ़ी वेराइटीज़ हैं यहाँ पर उनके लिए। आइए चलिए अब हम आपको मार्केट का सैर कराते हैं और देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें हैं जो कि डेकोरेशन के लिए यूज़ होती हैं। लेट्स गो। अब हम चलते चलते गली के एक कॉर्नर में पहुंच गए हैं, जहां पे ढेर सारे घर की डेकोरेशन के लिए चीज़ें हैं। आप इनमें से अपने घर को डेकोरेट करने के लिए कुछ भी खरीद सकते हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें, बहुत ही अट्रैक्टिव है। और गली के अगले ही दूसरे कोने में एक भैया हैं, उनके शॉप में बहुत प्यारे प्यारे बैंगल्स, इयररिंग्स, रिंग्स, हैंडमेड बैंगल्स, सब चीज़ हैं, आप वहाँ से ख़रीद सकते हैं। भैया ने बोला कि इसके स्टार्टिंग प्राइस जो है वो 30 रुपीज़ से स्टार्ट होती है।
ये जो आप शॉप देख रहे हैं ये यहाँ की सबसे फेमस शॉप है। यहाँ पे सारे घर के डेकोरेशन की चीज़ें मिलती हैं बट काफ़ी कॉस्टली है। सोच ही रहे थे वापस जाने के लिए क्योंकि काफ़ी थक चुके थे, तो एक भैया ने बोला कि यहाँ पे पार्क भी है जो कि काफ़ी अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है, तो चलिए हम आपको अब वो भी पार्क भी दिखा देते हैं। तो ये जगह बहुत ही अच्छी लगी, बहुत मतलब माइंड को रिफ्रेशिंग लगा। आप भी आएँ वीकेंड्स में और बताएं आपको ये जगह कैसी लगी। आप हमें ये वीडियो देख के ज़रूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और प्लीज़ आप भी यहाँ पे विज़िट करें। थैंक यू सो मच।